देवता तो सुख दुख देने वाले होते हैं, लेकिन साधु यदि केवल देते हैं तो सुख ही देते हैं। साधु का संग हर तरह से हमारा कल्याण करता है। देवता तो हम जिस तरह का उनका यजन करेंगे उस तरह का हमें वो फल देंगे, लेकिन साधु को आप किसी तरह से भी साधु का संग करते हो, अच्छे से बुरे से प्रेम से क्रोध से, साधु का संग आपका कल्याण ही करता है। देवताओं का संग आपके क्रिया के हिसाब से है। एक ब्राह्मण मां काली के भक्त थे, पत्नी बहुत बीमार हुई तो उन्होंने मां काली की उपासना प्रारंभ की, और जो जो उपासना करते जाते हैं पत्नी मृत्यु की ओर बढ़ती चली जाती है। एक दिन क्रोध में भर करके उन्होंने मां काली से कहा, मां क्या मेरे जीवन की आराधना व्यर्थ जाएगी? मैंने इतना समय पूरा जीवन तुम्हारी आराधना में लगा दिया और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी पत्नी को ठीक करो और तुम खाए जा रही हो। तो मां काली प्रकट हुई। मां काली ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारी आराधना कैसी, थोड़ी अपने शब्दों को तो देखो। तुम मेरे लिए जो मंत्र जाप कर रहे हो तुम्हें कहना चाहिए था भार्या रक्षतु भार्या रक्षतु भार्या रक्षतु, और तुम्हारे मुख से निकल रहा है भार्या भक्षतु भार्या भक्षतु भार, मतलब मेरी भार्या को खा जाओ, मेरी पत्नी को। तुम्हें कहना चाहिए था रक्षतु रक्षा करो, र की जगह तुम्हारे मुझसे भाव निकल रहा है तो मैं उसका भक्षण कर, जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं कर रहा हूं। तो देव जैसा आप उसके सामने विधान करते वैसा ही वो आपको फल देते हैं। लेकिन साधु तो अच्छा करो तो भी अच्छा है और अच्छा न करो तो भी अच्छा। यहां पर भागवत के वचन आप सुनना, भजन्ति यथा देवान देवा अपि तथैवतान। आप जैसी देवता की भावना करोगे देवता भी वैसे ही भावना करेंगे। देवताओं को यदि आप आरती गाओगे तो देवता प्रसन्न होंगे, और देवताओं को गाली दोगे तो देवता विनाश करेंगे। लेकिन साधु कैसे हैं? साधवो दीन वत्सलः, साधु की पूजा करो तब भी साधु आशीर्वाद देता है, और साधु का अपमान करो तब भी साधु आशीर्वाद देता है। जो अच्छा साधु होगा वो आपको हमेशा आशीर्वाद देगा। एक नदी किनारे एक व्यक्ति बैठा था, सामने एक स्वामी जी स्नान कर रहे थे। स्वामी जी स्नान कर रहे थे तब तक एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। स्वामी जी ने बिच्छू को पकड़ा बचाने के लिए कि इसको ला करके किनारे पे पटक दूं, मर जाएगा यहाँ पर ये। बिच्छू जो ही हाथ में पकड़ा बिच्छू ने डंक मारा, पूरा हाथ झनझना गया, बिच्छू छूट गया, फिर आगे बहने लगा। स्वामी जी दौड़ करके गए, फिर बिच्छू को पकड़ा, बिच्छू ने फिर डंक मारा, स्वामी जी उसको न चाहते हुए छूट गया वो, फिर आगे तीसरी बार फिर स्वामी जी ने उसको पकड़ा और फिर उसने डंक मारा। वो व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा, बाबा क्यों अपने आप को मारने पर तुले हो? यदि वो डंक मार रहा है तो तुम उसको क्यों बचा रहे हो? छोड़ो ना उसको। स्वामी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, भैया वो एक तुच्छ जीव होकर के भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं साधु होकर के अपना स्वभाव क्यों छोड़ू? उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना, परोपकार करना। मेरा स्वभाव साधवो दीन वत्सलः, साधु वो है जो सब पर कृपा करता है। किसी ने सेवा की उसको भी आशीर्वाद है, और किसी ने गाली दी उसको भी आशीर्वाद। हमारे यहां ऋषियों की वेद में प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, और उसमें साधुओं को मानने वाले भी और साधुओं को गाली देने वाले भी हैं। ऋषियों की क्या प्रार्थना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वः। जो गाली देने वाले को भी आशीर्वाद दे उसका नाम साधु। एक घटना मैं बहुत बार कहता हूँ लेकिन बहुत प्यारी घटना है वो, इसलिए बार बार मैं उसको हर कथा में उसको दोहराता हूँ। एक गांव के बाहर एक स्वामी जी रहते थे, पूरा गांव स्वामी जी का दर्शन करने के लिए जाता था, लेकिन गांव वाले कभी जा पाते थे कभी नहीं जा पाते थे। लेकिन उसी गांव में एक दुष्ट रहता था जो 365 बिना नागा के वहां रोज जाता था। था दुष्ट, रोज जाता था, सर्दी है तब भी जाना, गर्मी है तब भी जाना, वर्षा है तब भी जाना, धूप है तब भी जाना। गाँव वाले तो जा करके स्वामी जी की आरती उतारते थे, और ये जाके क्या करता था, स्वामी जी को रोज गाली देता था। जीवन गुजर गया उसका, स्वामी जी ने कभी बुरा नहीं माना। स्वामी जी की कुटिया के सामने खड़े हो जाए और दो चार गाली दे लौट के आ जाए। और लोग तो सर्दी हो तो न जाएं, लेकिन ये चाहे सर्दी हो कुछ दो गाली दिए बिना उसको चैन नहीं। एक दिन मृत्यु का समय आया,
यमदूत आए, पकड़ करके ले जा रहे थे, कुटिया के सामने से वो जा रहा था। उसने कहा रुको रुको भैया, थोड़ा आज का मेरा नियम रह गया है। क्या नियम रह गया? कहा स्वामी जी को गाली नहीं दे पाया हूं मैं, थोड़ा दो गाली दे दूं फिर चलता हूं यम लोक। स्वामी जी बैठे हुए थे, देखा कि लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने यमदूतों को रोका, कहां ले जा रहे हो यमलोक? क्यों? इसने जीवन भर पाप किया, आपको भी तो रोज गाली देता था ये। स्वामी जी ने कहा भले गाली देता था लेकिन मेरे पास तो आता था, और ये ऐसा मेरा भक्त था कि एक दिन बिना नागा किए जीवन गुजर गया इसका। जो मेरे पूजा करने के लिए आते थे वो तो कभी कभी कहीं रिश्तेदारी में गए, कहीं यहां गए वहां गए, वो नागा कर जाते थे, लेकिन इसने एक दिन भी नागा नहीं किया है। यदि इसके पास पुण्य नहीं है तो मैं अपना पुण्य इसे देता हूं, इसे नरक न ले जाओ। साधुवो दीन वत्सलः, साधु वो है जो सब पर कृपा करता है। तो यहां पर वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान आप जैसे साधु मिल गए बात बन जाती है, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं इस दुख रूपी संसार से पार हो जाऊं। और यहां पर एक बहुत अच्छा शब्द वसुदेव जी ने कहा है, यहां दुख भी सुख का रूप धारण करके आता है। देखना आप संसार की विचित्रता, आपको लगता है ये हो जाए आनंद आ जाए बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो हो जाता है, और उसके बाद जीवन में कितना दुख मिलता है। भागवत में महात्म्य में धुंधकारी का आख्यान है। धुंधकारी कौन था? आत्मदेव का पुत्र था, जिस पुत्र को पाने के लिए आत्मदेव जी ने बहुत प्रयास किया, पुत्र मिल जाए पुत्र मिल जाए, और पुत्र मिल गया। आत्मदेव ने बहुत उत्सव मनाया, मेरे बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ, लेकिन उस बेटे ने इतना दुख दिया उतना दुख दिया कि बाद में वही आत्मदेव कहते हैं ऐसे नालायक पुत्र से निसंतान रहना ही ज्यादा अच्छा है, नहीं होता तो अच्छा है। यहां पर दुख भी किसका रूप धारण करके आता है? सुख का रूप। ऊपर से वो सुख लगता है कि बहुत सुख है ये, लेकिन सुख नहीं है, वो क्या है? दुख है अंदर। जैसे आजकल बहुत नकली चीजें आती है ना, बहुत अच्छे ऊपर से रैपर लगा देते हैं, पैकिंग बहुत अच्छी कर देते हैं, और पैकिंग देख करके आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, और आप खरीद लेते हो पता चलता कि कूड़ा है वो। ठीक उसी तरह से इस संसार में दुख भी सुख का रूप धारण करके आता है।